वेलकम गाइस दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। हमारे चैनल दिल्ली डीटीसी पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीटीसी बस रूट एयरपोर्ट एक्सप्रेस 4 शटल की। दोस्तों ये बस इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 1C तक चलाई जाती है और इस बस की जो टाइमिंग है सुबह चलने की 7 बजे से रात 8 बजे तक ये बस चलाई जाती है। इस दौरान ये बस 7 स्टॉप कवर करती है जो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा आने वाली डीटीसी बसों की सभी रूटों की जानकारी आप हमारे चैनल पर सबसे पहले देख सकें। और अब बात करते हैं इस बस के रूट की। तो पहला स्टॉप जो आता है दोस्तों इस बस का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 3 से ये बस चलाई जाती है और इसका नेक्स्ट स्टॉप जो आता है सेंट्रो होटल न्यू कस्टम हाउस। फिर जो स्टॉप आता है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और आने वाले कुछ महीनों में ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें होंगी दिल्ली की सड़कों पर। इन इलेक्ट्रिक बसों के चलने पर लोगों को काफ़ी सारी सुविधाएँ भी मिल रही हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों में CCTV कैमरे, पैनिक बटन, GPS, महिलाओं के लिए खास तौर से पिंक सीटें दी गई हैं, दिव्यांगों के लिए नीलिंग रैंप की सुविधा भी इन बसों में दी गई है और भी कई सारी सुविधाओं के साथ ये बसें दिल्ली की सड़कों पर चलाई जा रही हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो भी आपका ओपिनियन है आप हमें मेल कर सकते हैं ऑडियो या वीडियो के माध्यम से, जिसे हम अपने चैनल दिल्ली डीटीसी पर दिखाएंगे। हमारा जो मेल आईडी है dillidtcinfo@gmail.com, जिसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने चैनल के अबाउट पर भी दे दिया है। दोस्तों ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर स्टॉप के बाद जो स्टॉप आता है एरो सिटी मेट्रो स्टेशन। अगला स्टॉप जो आता है पुलिस स्टेशन मेहराम नगर। दोस्तों फिर जो स्टॉप आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 1D। और दोस्तों लास्ट स्टॉप जो आता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल 1C तक ये बस चलाई जाती है। और दोस्तों अब आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से DTC बसों में ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, जिससे आपको बसों में बैठे कंडक्टर से टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से चार्टर ऐप के QR कोड को स्कैन करके DTC बसों में टिकट या पास ले सकते हैं। चार्टर ऐप के जो QR कोड हैं दोस्तों वो दिल्ली की हर DTC बसों में उपलब्ध होते हैं, जिसे आप स्कैन करके टिकट ले सकते हैं। चार्टर ऐप एप्लीकेशन में आप DTC बसों की लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं और उनके जितने भी स्टॉप हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ऐप के अंदर मिलेगी। दोस्तों ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस ऐप की लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दी है, आप लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं DTC क्लस्टर और AC बसों के किराए की। DTC और क्लस्टर बसों का किराया सेम होता है। इनका किराया है 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। DTC की नॉन AC बस का पास 40 रुपये का बनता है, जिसे आप चार्टर ऐप के QR कोड को स्कैन करके भी ले सकते हैं। ये पास क्लस्टर बस और AC बसों में नहीं चलेगा। दोस्तों AC और इलेक्ट्रिक बसों का किराया है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये। ये पास 50 रुपये का बनता है। इस पास को भी आप चार्टर ऐप के जरिए ले सकते हैं, जो कि DTC की नॉन AC बस, क्लस्टर बस और AC बसों में चलेगा। और दोस्तों DTC बसों के जिस भी एक स्टॉप की अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।